नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 ने शुरुआत में एक झटका जरूर दिया, विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग ना करके। लेकिन फिर भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जिस तरह से काम कर रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। चांद की खूबसूरत तस्वीरें हो या फिर कोई जानकारी, ऑर्बिटर सारे काम अच्छे से कर रहा है। अपने इस काम को करते हुए इस मिशन के ऑर्बिटर ने चांद के एक और रहस्य से पर्दा उठा दिया है। जी हाँ, खूबसूरत चांद को जब ध्यान से देखो तो उसमें दाग नजर आता है। कहावतें तो खूब बनी, लेकिन चांद पर दाग क्यों है ये अभी तक बहुत बड़ा रहस्य था, जिसका खुलासा अब भारत के चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर ने कर दिया है। चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा इस मिशन का ऑर्बिटर अब भी हर रोज नई और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने ला रहा है। 22 अक्टूबर को भी इसरो ने ऐसी ही दो तस्वीरें जारी की। ये पहली बार है कि जब इसरो ने चांद की ऐसी रंगीन तस्वीरें आम लोगों के लिए जारी की हैं। इन तस्वीरों में ये पता चल रहा है कि चांद की सतह पर काले दाग क्यों हैं, उसकी सतह पर इतने क्रेटर यानी गड्ढे क्यों हैं। दरअसल ये खुलासा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे ड्यूअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार DFSAR ने किया। इस उपकरण ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद सतह का अध्ययन किया है। आप इस उपकरण से ये पता कर सकते हैं कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ समतल जमीन है और कहाँ पत्थर पड़े हैं। इस रडार ने जो तस्वीरें जुटाई हैं उससे पता चला है कि अपने विकास के समय से ही चांद की सतह पर लगातार उल्कापिंडों, शुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की जबरदस्त बमबारी हुई। इसी के चलते चांद की सतह पर अनगिनत संख्या में विशाल गड्ढे बने हैं और कुछ गड्ढे गोलाकार हैं तो कुछ विशाल कटोरों की शक्लों में है। इनमें से कई छोटे सामान्य तो कई बड़े और छल्लेदार भी हैं। साथ ही रडार ने ये खुलासा भी किया है कि ज्वालामुखी वाले गड्ढे बनने की वजह चांद से अंदरूनी टकराव और विस्फोट है। इन सब के अलावा रडार ने चांद की सतह के इन ज्वालामुखी वाले गड्ढों की प्रकृति, आकार, वितरण और उसके बनने में किन तत्वों की अहम भूमिका है इसका भी अध्ययन किया है। ऑर्बिटर में लगे इस रडार की खासियत ये है कि ये कम से कम चांद की सतह से 2 मीटर ऊंची किसी भी चीज की तस्वीर आराम से बनवा सकता है। इसके लिए इस उपकरण से 2 तरह की किरणें निकलती हैं। उन किरणों की सतह से टकराने और उनके वापस लौटने के आंकड़ों को जुटा कर ये पता किया जाता है कि चांद की सतह पर क्या है। वहीं आपको बता दें कि इसरो के पहले भेजे गए चंद्रयान 1 और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद की सतह पर गड्ढों की बनावट के बारे में जो जानकारी भेजी थी, लेकिन वो उसमें ज्यादा तथ्य सामने नहीं ला पाए थे। लेकिन अब चंद्रयान 2 के रडार ने न सिर्फ चांद की बनावट की व्यापक तस्वीर पेश की है, बल्कि क्षुद्रों ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं से चांद की सतह पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।